नए साल पर भारत के अन्य राज्यों की तरह हिमाचल में भी जश्न धूमधाम से मनाया जाता है, जहां एक और हिमाचल के होटल पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न पैकेज बनाते हैं। वहीं नशे का काला कारोबार भी यहां इस दौरान बहुत देखा जाता है। सोलन भी इससे अछूता नहीं है। यही वजह है कि सोलन पुलिस खास तौर पर नव वर्ष के समय बहुत ज्यादा चौकन्नी हो जाती है। गुप्तचरों को पूरे जिले में सक्रिय कर दिया गया है। यही नहीं, बाहरी राज्यों से आने वाली गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है, जिसकी वजह से रोज नशे की खेप पकड़ी जा रही है। हाल ही में पुलिस ने एक गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें से भारी मात्रा में चरस बरामद की गई, जिसमें दो व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ये जानकारी सोलन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वर्मा ने दी। सोलन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक वर्मा ने बताया कि शक के आधार पर शांति के समीप एक जीप जो गेहूं ले जा रही थी उसकी तलाशी ली गई तो उसमें से 1 किलो 324 ग्राम चरस बरामद की गई। इस मामले में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पुलिस थाना सोलन का स्टाफ जिसमें SHO स्वयं मौजूद थे, शांति के पास जो है वाहनों की चेकिंग कर रहे थे, तो वाहनों की चेकिंग के दौरान एक वीट व्हीकल को रोका, वीट को, जिसमें मिस्टर विवेक एंड रितेश बैठे हुए थे। तो जब उस गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें के अंदर से 1 किलो 324 ग्राम चरस बरामद की गई और उन दोनों व्यक्तियों को जो है गिरफ्तार कर लिया है और इस मुकदमा में अन्वेषण जारी है।